इस सब्जेक्ट में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आता है और पूरे पूरे मार्क्स आप इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं इसको फॉलो करने और आपको सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें थ्योरी का पूछा नहीं जाता, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फिजिकल सिस्टम है वो क्या होता है? देखिए, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई फिजिकली ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं और उससे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, कोई हमारा काम पूरा हो रहा है, तो उसको हम एक फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। फिजिकल सिस्टम हमारा मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, थर्मल या फिर हाइड्रोलिक या फिर कोई और सिस्टम भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल सिस्टम, दूसरा होता है रोटेशनल सिस्टम। ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर हमको लीनियर मोशन मिलता है। जबकि रोटेशनल सिस्टम के अंदर जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो हमको एक रोटेशनल मोशन मिलता है। तो मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए D-almberts ने एक प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी बॉडी पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है और उसके रेजिस्टिंग फोर्सेस जो लगे होते हैं, उनका जो सम है वो हमेशा ज़ीरो होता है। उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और जो रेजिस्टिंग फोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनका सम हमेशा ज़ीरो होगा एक बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ तो फोर्स हो गया हमारा। अब उसके अंदर जो रेजिस्टिंग फोर्सेज होंगे वो किस किस की वजह से आएंगे? वो मास की वजह से आएंगे, डैम्पर और स्प्रिंग की वजह से आएगा। इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसा ही रोटेशनल सिस्टम में भी टॉर्जनल डैम्पर, इनर्शिया और टॉर्शनल स्प्रिंग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल सिस्टम्स की। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कंसिडर कीजिए कि एक मास है वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है। जैसा इस सरफेस के ऊपर एक मास मैंने रख दिया, तो इस मास में जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक तो इसका खुद का रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा मास की वजह से। वो इक्वेशन आपको पता होगी कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, जहां पर ए एक्सेलरेशन है और एम मास है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो डीवी ओवर डीटी लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखोगे तो एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हो। आपको ये वाली इक्वेशन ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ मास के फोर्स की। जो 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 मास इस फोर्स को अपोज करेगा वो मास का फोर्स, ये वाली मैंने बात लिख दी। अब दूसरा होता है एक फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर काम में आता है। वो क्या करता है? जैसे कि ये मास इस सरफेस पर रखा है तो जब इस फोर्स को इसको खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो इस मास को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसको मैं बी से शो करता हूँ जो इसका कांस्टेंट है, और ये जो है ये इसके ये वाला जो फोर्स लगेगा ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पर बी आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डैम्पर, तो जो फ्रिक्शन की जो मैं बात कर रहा था उसको मैं इस साइन से शो करूंगा, इस पूरे सब्जेक्ट में इस साइन से शो करूंगा और इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, तो एक साइड मान लेता हूँ कि x1 डिस्प्लेस हुआ, एक साइड x2 डिस्प्लेस हुआ। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? जैसे कि जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के इस केस में, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाता हूँ तो यहाँ पर बी आता है। बी एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर मैंने b इंटू वी लिखा है, f इज इक्वल्स टू b इंटू वी, आपको याद रखना है b इंटू वी है। तो यहां पर अगर इधर से v1 वेलोसिटी इधर से v2 वेलोसिटी है तो आप v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। और जो f इज इक्वल्स टू b dx ओवर dt है ये भी आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। v को dx ओवर dt मैंने लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, डैम्पर का मतलब समझ में आ रहा है। डैम्पर का मतलब होता है जो अपोज करे किसी भी, जैसे फ्लूड में से कोई बॉडी जा रही है, मान लीजिए कोई लिक्विड रखा है उसके अंदर से किसी मास पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो जो लिक्विड है उस बॉडी पर कुछ रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगा जो उस बॉडी को रोकना चाहेगा।
तो वो रेजिस्टिंग फोर्स को मैंने डैम्पर से शो करा है। डैम्पर कुछ नहीं है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया गया है। इतनी बात आपको क्लियर है? तीसरी जो बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मास है हमारे पास, इसकी कुछ स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस का मतलब समझ पा रहे हो कि कितना खिंच सकता है कितना नहीं खिंच सकता है, उसको स्टिफनेस बोलते हैं अपन। जैसे रबड़ है वो ज़्यादा खिंच जाता है और जो वुड है वो कम खिंच पाती है, तो उन दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है। तो स्टिफनेस को हम किस तरीके से शो करते हैं? उसको हम स्प्रिंग से शो करते हैं। एक स्प्रिंग हमने बना दी, ये इस मास की स्टिफनेस को शो करेगी। अब जब इस मास पर फोर्स लगा तो ये खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्प्रिंग के थ्रू हम इसको शो करेंगे। तो ये फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया तो इसमें भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्स वन इधर से हो रहा है, एक्स टू इधर से हो रहा है। इस केस में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर के का साइन आता है। के क्या है? के एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। ये जो के की वैल्यू है ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपका बॉडी चेंज होती है। अगर वुड है तो अलग होगा, रबड़ है तो अलग होगा, आयरन है तो अलग होगा, ये जो के की वैल्यू है। अगर आप इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो तो आप इंटीग्रेशन करके इसको यहाँ पर लिख सकते हो। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें होती है, मास, स्प्रिंग और डैम्पर, जो रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई करके दिखाऊंगा, मैथमेटिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रोटेशनल सिस्टम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, रोटेशनल सिस्टम वैसा ही है जैसा ट्रांसलेशनल है, बस उसके अंदर साइन चेंज हो रहे हैं। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया जस्ट मास जैसा काम करता है। किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जे होता है। अगर मैं उसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक रेजिस्टिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, वो जो कि उल्टी दिशा में होगा, और उसकी जो वैल्यू है वो टी इज इक्वल्स टू जे अल्फा होती है। जैसे वहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, यहाँ पर जे इंटू अल्फा होता है। अल्फा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो आप डी ओमेगा ओवर डी टी लिख सकते हो, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जे डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हो। इसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने शो किया है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। दूसरा, जैसा कि हमने वहाँ पर डैम्पिंग एलिमेंट की बात करी, तो अगर वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि किसी लिक्विड में से या किसी सरफेस पर बॉडी को खींच रहे थे सीधा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को घुमाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप किसी सरफेस पर घुमाने की भी कोशिश करोगे तो वो जो सरफेस लगी है वो उस पर एक टॉर्क अप्लाई करेगी, एक रेजिस्टिंग टॉर्क अप्लाई करेगी। उसी तरीके से अगर आप किसी फ्लूड के अंदर घुमाने की कोशिश करोगे तो वो फ्लूड एक रेजिस्टिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, उसको हम डैम्पर के थ्रू शो करते हैं। सेम डैम्पर यहाँ पर भी है और सेम इक्वेशन है। वहाँ पर क्या था, एफ इज इक्वल्स टू बी इंटू वी, यहाँ पर क्या है, बी इंटू ओमेगा, सेम चीज़ है। अगर इस ओमेगा को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो डी थीटा और डी टी लिख सकते हैं, आसान बात है। तीसरा है टॉर्सनल स्प्रिंग एलिमेंट, सेम चीज़। स्टिफनेस तो सर रोटेशन में भी होती है कि अगर आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो उसकी जो स्टिफनेस होगी वो भी एक टॉर्क अप्लाई करेगी। उस टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो के इंटू थीटा होगी। के भी बॉडी के चेंज होने से चेंज होगा। वहाँ पर क्या था, के इंटू एक्स, सिंपल है। ये रोटेशनल मोशन की बात समझ में आई, इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर। अब अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो सर हम एनालॉगस सिस्टम्स बोलते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स को डील करते हैं, कि मैकेनिकल सिस्टम्स को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदला जाए, तो उसको हम एनालॉगस सिस्टम्स का नाम देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम की। तो अभी ट्रांसलेशनल सिस्टम जो हमने पढ़ा उसको मैं इस एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्चुअली अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने एक मास बॉडी ले ली, वो एक सरफेस पर रखी है, तो वहाँ पर तीन तरीके के फोर्स लगेंगे जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाऊंगा उस बॉडी पर। इस बॉडी पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया तो यहाँ पर तीन तरीके के फोर्स लगेंगे। पहला तो लगेगा इस बॉडी के मास की वजह से, जिसको मैं एफ वन नाम देता हूँ। दूसरा लगेगा इस फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पर जो फ्रिक्शन मौजूद है उसकी वजह से लगेगा, उसको मैंने यहाँ पर डैम्पर के थ्रू शो कर दिया, आसान रहता है ऐसा। तो ये होता है एफ टू। और जो तीसरा है
वो इसके स्टिफनेस की वजह से लगेगा। देखिए ऐसा कुछ डैम्पर लगा नहीं होता है, ऐसी कोई स्प्रिंग लगी नहीं होती है, ये हम शो कर रहे हैं ताकि हमारे इक्वेशंस आसान बने, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप समझ में आना चाहिए, मैंने आपको डैम्पर का मतलब समझाया और आपको स्प्रिंग का मतलब समझाया। मास यही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जब मैं इसको खींचने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर जो सरफेस है या फिर जो हवा है, लिक्विड है, कुछ भी है, वो एक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी और वो फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने यहाँ पर डैम्पर के थ्रू शो किया है। ठीक है, उसी तरीके से इस मास की एक स्टिफनेस होगी जो खुद भी एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगी, उसको मैंने स्प्रिंग के थ्रू शो कर दिया। तो जो स्प्रिंग है ये भी एक फोर्स यहाँ पर, अभी इसको खींचने की कोशिश करेगा ना ये, तो ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, कम होने की कोशिश करेगी। इस फोर्स को मैं नाम दिया F3। तो तीन तरीके के फोर्स हो गए, F1, F2 और F3। अब यहाँ पर मैंने आपको D-almberts प्रिंसिपल में बताया कि जो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा एक्सटर्नल फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्सेस का किसी एक बॉडी पर, वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर F, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्टिंग फोर्सेस के बराबर लिख दूँ, या फिर इसको पॉजिटिव और इन तीनों को नेगेटिव करके ज़ीरो लिख दूँ। तो मैं अभी बराबर वाली इक्वेशन ले रहा हूँ कि F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों फोर्सेस के मैं बराबर कर रहा हूँ। अब तीनों की वैल्यू अगर आप लिख देंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। F1 की जो वैल्यू है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में याद ना रखें, आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में याद रखें। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखता हूँ, देखिए F1 की जो वैल्यू है वो होती है m इंटू a, या फिर m dv ओवर dt, या फिर m d2x ओवर dt स्क्वायर। F2 की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी b इंटू v, या फिर b इंटू dx ओवर dt, और F3 की जो वैल्यू है वो आपके पास स्प्रिंग के थ्रू आएगी जो होगी k इंटू x। तो ये तीन वैल्यूज़ यहाँ पर है, ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। F1 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ m d2x ओवर dt स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू लिख रहा हूँ b dx ओवर dt, और F3 की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ kx। तो ये मेरे पास फाइनल F आ गया। इस चीज़ को आप अभी माइंड में रख लीजिए, ये काम आएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बनी पहली। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम की, तो इसके अंदर मैं क्या अप्लाई करूंगा, इसके अंदर मैं टॉर्क अप्लाई करूंगा इस बॉडी पर। तो मैंने एक बॉडी ले ली जिसके जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे पास यहाँ पर जे है, ठीक है, जैसे वहाँ पर मास एम था, यहाँ पर जे है। जो इसकी स्टिफनेस है वो यहाँ पर के है, और जो इसका फ्रिक्शन है वो यहाँ पर बी मौजूद है। तीन चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर मैंने एक टॉर्क अप्लाई करा, तो जैसे ही मैं टॉर्क अप्लाई करूँगा तो तीन रेजिस्टिंग फोर्सेस काम में आएंगे। पहला आएगा जे के थ्रू, दूसरा के और तीसरा बी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर मैंने टॉर्क अप्लाई करा, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, ठीक है, वेलोसिटी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लेकिन हम थीटा के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो जो टॉर्क है ये D-almberts प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होता है कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस और उसके रेजिस्टिंग फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो होगा। तो टॉर्क है वो तीनों टॉर्क के बराबर आएगा, जो यहाँ से जे अप्लाई करेगा T1, ये के जो है ये आपके पास, सॉरी पहले जो बी है वो आपके पास T2 अप्लाई करेगा, और यहाँ से जो है ये आपका T3 अप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और जो T1 की जो वैल्यू है, इस T1 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी J इंटू अल्फा। अब आप अल्फा को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हो D2 थीटा ओवर DT स्क्वायर। T2 जो है वो B की वजह से आ रहा है, B इंटू ओमेगा होता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे B dθ ओवर dt प्लस के इंटू थीटा। तो ये आपके पास टॉर्क इक्वेशन बनी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, ठीक है। ये रोटेशनल सिस्टम की बात हो गई। अब मैं आपसे बात करता हूँ सर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की।
दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने यहाँ पर लिए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैकेनिकल जो दोनों मैंने सिस्टम पढ़े और जो दोनों इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़े उनको एक टेबल बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि जो फोर्स है उसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो और जो करंट है उसको कैसे डिनोट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि आपको मैकेनिकल सिस्टम दे देगा और उससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने के लिए बोलेगा, उसके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बताने के लिए बोलेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल दे देगा उससे भी मैकेनिकल बना सकता है। तो आपका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी हो सकती है या फिर फोर्स करंट एनालॉजी, टॉर्क करंट एनालॉजी कुछ भी हो सकता है। तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले ले लिया एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं तो उन तीनों बेसिक एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कि सर इन तीनों को सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करा, आप वोल्टेज के साथ इनको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मैंने इसलिए कनेक्ट करा कि जो मैंने वोल्टेज लिया है यहाँ पे तो इन तीनों वोल्टेजेस का सम यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। जैसे इसके अक्रॉस जो होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा और इसके अक्रॉस V3 होगा। अगर मैं इसको पैरेलल में ले लेता तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता, करंट अलग अलग होता लेकिन वोल्टेज सेम होता। लेकिन मुझे यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए इसका भी रीज़न मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये इक्वेशन होगी सर V1+V2+V3। तो सर ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि जब मैं टॉर्क की बात कर रहा था तो मैंने इक्वेशन लिखी थी T=T1+T2+T3। फोर्स की बात कर रहा था तो F=F1+F2+F3। तो जब मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि V=V1+V2+V3, क्योंकि मुझे एक एनालॉगस टर्म्स को आपस में रिलेट करना है इस वजह से। तो जब मैं यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशंस लिखूंगा तो इंडक्टर के थ्रू जो इक्वेशन आएगी वो मेरे पास आएगी LdIdt। वोल्टेज के टर्म्स में लिखूंगा ये आएगा RI और इधर यहाँ पर आ जाएगा 1/C(I)dt। अब यहाँ पर जो करंट I है इसकी वैल्यू आप सभी जानते होंगे कि करंट I को अपन लिख सकते हैं dQ/dt, ठीक है, चेंज इन चार्ज ओवर टाइम, जहाँ पर Q चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, इस आई की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। हर जगह जहां पर भी आई है वहां पर dQ/dt लिखेंगे। तो V=LdQ/dt और यहां पर पहले से dt है, R dQ/dt+1/C dQ/dt(dt). तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर तो आ जाएगा D2Q/dt² L D2Q/dt² यहाँ पर आ जाएगा R dQ/dt और यहाँ पर आ जाएगा 1/C(dQ). सॉरी यहाँ पर Q आ जाएगा, इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा Q/C। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, इस चीज को भी आप याद रखें। ये मेरी इक्वेशन बनी थर्ड। अब मैं बात करता हूं करंट की। करंट के अंदर क्या है कि मैंने यहां पर तीनों सिस्टम्स को पैरेलल ले लिया, तीनों एलिमेंट्स को पैरेलल ले लिया। अब इसका रीजन साफ है कि यहां पर तीनों करंट अलग अलग हो जाएंगे, I1, I2 और I3, ताकि इन तीनों को मैं यहां पर इस तरीके से जोड़ सकूं। अब तीनों की मैं जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो हो जाएगा dV/dt, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो हो जाएगा V/R और इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो हो जाएगा 1/L(V/dt). अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो V है वो चेंज इन फ्लक्स ओवर dt हो जाएगा। ठीक है, V=d∅/dt कर दूंगा मैं, जो फाई है वो आपका फ्लक्स है। अब यहाँ पर मैं जहाँ पर भी वोल्टेज होगा वहाँ पर मैं d∅/dt रख दूंगा, तो I=C d/dt d∅/dt+d∅/dt1/R+1L d∅/dt(dt). तो यहाँ पर जो I की फाइनल इक्वेशन आएगी मेरे पास वो आ जाएगी C
डी टू फाई ओवर डी टी स्क्वायर, वन बाई आर डी फाई ओवर डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फाई बाई एल। तो ये जो इक्वेशन है ये करंट के टर्म्स में इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने जाऊँगा कि अगर मुझे ये कह दिया जाए कि आप फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाइए या फोर्स करंट एनालॉजी बनाइए, ये सब मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फोर्स वोल्टेज है, फोर्स करंट भी हो सकता है, टॉर्क वोल्टेज भी हो सकता है, टॉर्क करंट भी हो सकता है। तो अब आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर मैं ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करूँ तो उसके अंदर मेरे पास देखिए फोर्स था, मास था, एक्स डिस्प्लेसमेंट था, और मेरे पास के था और बी था। तो वो सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है कि फोर्स, मास, डैम्पर, स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। यहाँ पर हम अब जो भी एनालॉजीज हैं उनको मैंने एक इक्वेशन बना ली, ये मैंने सारी इक्वेशंस एक पेज पर लिख ली। ये मैंने ट्रांसलेशनल सिस्टम से, रोटेशनल से, वोल्टेज वाली इक्वेशन से और करंट वाली इक्वेशन से जो भी इक्वेशंस बनी थी उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमारे पास आसानी रहेगी। तो जैसे हमको यहाँ पर फोर्स दे रखा है तो आप इन इक्वेशंस को अगर गौर से देखेंगे तो सारी इक्वेशंस सेम नज़र आएंगी आपको, एक ही पैटर्न है इन सारी इक्वेशंस का। तो यहाँ पर जैसे मास है तो यहाँ पर जे आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोटेशनल सिस्टम में, यहाँ पर जे लिख सकता हूँ मैं, फोर्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क, इस फोर्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क, मास की जगह आ जाएगा जे, ठीक है, डैम्पर की जगह डैम्पर रह जाएगा, बी की जगह बी है, के की जगह के है, के की जगह के रह जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर एक्स, एक्स की जगह आप कहीं पर भी देखेंगे तो थीटा नज़र आएगा आपको, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। वेलोसिटी की जगह है यहाँ पर, ये आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी वेलोसिटी वाले टर्म जो है इसको हम काट देते हैं, कहीं काम नहीं आने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं यही आपके यूज़ में आएंगी। अब जब हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज के टर्म्स में आप अगर फोर्स से रिलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे और टॉर्क से रिलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए फोर्स और टॉर्क जिस तरीके से है तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है, तो यहाँ पर आप सिंपली वोल्टेज लिख देंगे। जब मैं बात करूँगा मास और जे से कंपेयर करके लिखना चाहूँगा तो मास और जे जहाँ पर है तो वहाँ पर एल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ में एल है, तो यहाँ पर सिंपली आप एल लिख सकते हो। जब अपन बात करेंगे डैम्पर की तो डैम्पर जो है वो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ है तो वहाँ पर आपके पास आर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। स्प्रिंग की जगह आपके पास देखिए यहाँ पर एक तो है चार्ज और एक है आपके पास वन बाई सी, तो जो स्प्रिंग की जगह आप लिखेंगे वो आपके पास हो जाएगा वन बाई सी, क्योंकि जो चार्ज है ना वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थीटा काम कर रहा है, जहाँ पर एक्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप इस स्प्रिंग की जगह वन बाई सी लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट का तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यू लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं करंट एनालॉजी की बात करूँ तो करंट के अंदर जो यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है, यहाँ पर करंट काम कर रहा है तो यहाँ पर आप आई लिख सकते हो। मास, मास और इनर्शिया के रूप में यहाँ पर आप कैपेसिटेंस सी लिख सकते हो। उसी तरीके से 1 बाई आर और 1 बाई एल यहाँ पर आप लिख देंगे। डैम्पर की जगह आ जाएगा 1 बाई आर, स्प्रिंग के जगह आ जाएगा 1 बाई एल, और जो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है वो यहाँ पर फ्लक्स कर रहा है तो यहाँ पर आप इसको फाइव लिख सकते हो। तो ये जो टेबल है ये बनाना अब आप सीख गए होंगे, मैंने आपको एक मेथड बता दिया, इस मेथड से आप अगर कभी भूल भी जाएं इस टेबल को, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको कह देगा कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाइए, तो आपको एक फोर्स का एक सिस्टम दे देगा, तो आप पहले क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, उस सिस्टम को सॉल्व करके उसके ऊपर तीन फोर्सेज लगेंगे, तीनों फोर्सेज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन आसानी से बना लेंगे। अब इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली इस इक्वेशन तक आना होगा, तो आप इस इक्वेशन तक कैसे आएंगे, आप फोर्स को रिप्लेस करेंगे वोल्टेज के साथ, अगर आपको ये वाली टेबल याद होगी तो आप फोर्स को डायरेक्टली वोल्टेज के साथ रिप्लेस कर देंगे, मास को डायरेक्टली इंडक्टेंस के साथ रिप्लेस करेंगे, और बी को आर के साथ, और जो के है उसको वन बाई सी के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी एक इक्वेशन ये डायरेक्टली बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। और अगर हम फोर्स करंट एनालॉजी की बात करें तो आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना होगा, इस इक्वेशन से उसी तरीके से टॉर्क के साथ भी डील करेंगे। तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं,
नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।